उत्तराखंड वानिकी प्रशिक्षण अकादमी हल्द्वानी में वन आरक्षियों के सर्टिफिकेट कोर्स के 6 माह की अवधि आज पूर्ण हो गई। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में राज्य के 94 वन आरक्षियों को वन वर्धन, वन वनस्पति, वन मापिकी, वन अभियांत्रिकी समेत तमाम आरक्षियों को प्रशिक्षित किया गया। इस मौके पर परीक्षार्थियों ने जंगल सर्वाइकल, स्नेक रेस्क्यू, वन्य जीव रेस्क्यू, ट्रैक्यूलाइजेशन, कैमरा ट्रैप, ड्रोन प्रशिक्षण, मीडिया मैनेजमेंट, फील्ड बोटेनाइजेशन, वन अपराध कैसे स्टडी पर तकनीकी ज्ञान दिया गया। वही मानव और वन्य जीवों के बीच बढ़ते संघर्ष को रोकने और उन्हें समझने के लिए उन्हें जो ज्ञान मिला है वह काफी लाभप्रद होगा। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। मैंने अपने संबोधन भाषण में भी कहा कि फॉरेस्ट गार्ड जो है वो वन विभाग का जो एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा है उसकी एक बहुत इम्पोर्टेंट कड़ी है, और वन रक्षक अगर सजग रहता है तो उस क्षेत्र में, उस बीट में जो जिसको वन रक्षक कंट्रोल करता है उसमें अपराधों की संख्या में कमी आती है, और इसके अलावा भी जो हमारे फॉरेस्ट मैनेजमेंट के जितने भी सेक्टर्स हैं उसमें बेहतर परिणाम मिलते हैं। तो ये इस तरह की जो ट्रेनिंग है इसमें हमने उनको वन प्रबंध के जितने भी विषय हैं उससे उसके संबंध में जानकारी दी। 23-24 का सेकेंड सेक्टर था जो अभी अक्टूबर से स्टार्ट हुआ और अभी 6 महीने में मतलब मार्च में कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे 94 फॉरेस्ट गार्ड थे अलग अलग डिविजन से, और हमने कोशिश की है कि वो प्रैक्टिकल एंड थियोरी दोनों तरफ उनको ट्रेनिंग किया था ताकि जब वो फील्ड में जाए तो अकेले रहेंगे, फील्ड में भी अकेले रहेंगे तो वहाँ सक्षम तरीके से ये लोग वन विभाग की सेवा कर सके और वनों का प्रोटेक्शन कर सके। उत्तराखंड वानिकी अकादमी में 3 अक्टूबर 2023 में प्रारंभ हुआ था और आज दिनांक 28 मार्च 2024 में समाप्त हो रहा है। हमें यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ दी गई जैसे कि वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट से संबंधित, प्लांटेशन से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ दी गई हैं, उनको हम भविष्य में अपने फील्ड स्तर पर फॉलो करेंगे तथा और जो हमें अनुशासन से संबंधित यहाँ पर जानकारियाँ दी गई हैं उसको हम भविष्य में फॉलो करेंगे। जैसे हम लोग, मैंने पहले बताया कि हम लोग जब पहले बीट पे काम कर रहे थे तो उस समय हम लोगों को जानकारी का अभाव होने के कारण हम कई बार जैसे हमारे सामने वन अपराध हुआ तो हमें लीगल प्रोसेस उसकी पता नहीं थी, लेकिन अब हम FBI में 6 माह के प्रशिक्षण के बाद हमें मतलब कागजी नॉलेज बहुत ज़्यादा हुआ, बाकी हमारे फील्ड स्तर पर हमें मतलब प्रायोगिक तौर पर भी बहुत सारी चीज़ें हमें बताई गई। यहाँ पर हमें GPS, कैमरा ट्रैपिंग वगैरह की जानकारी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन किस तरीके से करना है, किस तरीके से हमें अपनी जमीन, जंगल और जानवरों को बचाना है उसके बारे में सब जानकारी।